हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल जी टीवी की कि कैसा रहा जी टीवी का अब तक का सफर, कब हुई थी जी टीवी की शुरुआत, किसने बनाया था जी टीवी को, जी टीवी का पहला लोगो कैसा था, जी टीवी का सबसे पहला टीवी सीरियल कौन सा था और कौन से हैं जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा वीडियो देखें। आज से 28 साल पहले यानी 2 अक्टूबर 1992 में सुभाष चंद्र ने जी टीवी की शुरुआत की थी। जी टीवी भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल है। जी टीवी ने आते ही टीवी की दुनिया को एक नए लेवल पर ले गया, जहां से एंटरटेनमेंट की शुरुआत हुई। फिल्में, टीवी सीरियल और म्यूजिक को दुनिया तक पहुँचाया और देखते ही देखते जी टीवी भारत के घरों में देखा जाने लगा। 1992 में जी टीवी ने दूरदर्शन के कुछ टीवी सीरियल को टेलीकास्ट किया था, जिसके बाद पहला शो आपकी अदालत पहले जी टीवी पर आया करता था। आपकी अदालत 1992 में जी टीवी पर टेलीकास्ट होता था, जो 2004 में फिर जी न्यूज पर आने लगा था और 1993 में जी टीवी ने शुरू किया जी टीवी का पहला टीवी सीरियल तारा, जो जी टीवी का पहला टीवी सीरियल है, जो जी टीवी पर 1993 से 1997 तक चला था। और फिर तारा के बाद जी टीवी पर हम पांच, गुब्बारे, अंताक्षरी, जी हॉरर शो, मानो या ना मानो, अमानत जैसे कई टीवी सीरियल टेलीकास्ट करने शुरू किए। आज का सबसे पुराना कोई सिंगिंग रियलिटी शो है वो है सारे गामा पा, जो जी टीवी पर 1995 में से शुरू हुआ था। सारे गामा पा सबसे पुराना रियलिटी शो है, यहीं से जी टीवी सबके दिलों में बस गया। जी टीवी ने कई टीवी शोज दिए हैं और इन 28 सालों में कई टीवी सीरियल आए और गए, पर इनमें से कुछ ऐसे टीवी सीरियल है जो आज भी लोग याद करते हैं, जो आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। चलिए देखें उन यादगार टीवी सीरियल को। 1995 में आया हम पांच, जो कि एक आइकॉनिक शो है जी टीवी का, जिसे दर्शक आज भी नहीं भूले हैं। उसके बाद फिर 2005 में आया सात फेरे, फिर 2006 में आया कसम से, 2006 में ही आया बनू में तेरी दुल्हन, 2008 में आया छोटी बहू, 2009 में आया पवित्र रिश्ता और 2009 में ही आया यहाँ में घर घर खेली, 2012 में आया कबूल है और 2013 में आया जोधा अकबर। इनके जैसे कई यादगार शोज दे चुका है जी टीवी। इन टीवी सीरियल को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। जी टीवी हर मामले में आगे रहा है, जैसे हिस्ट्रिकल टीवी शो, सुपर नेशनल शो, रियलिटी शोज को जैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है। झांसी की रानी से जी टीवी ने टीवी की दुनिया में हिस्टोरिकल टीवी सीरियल की महत्व बढ़ा दिया और हिस्टोरिकल टीवी सीरियल की शुरुआत की। और आज का पॉपुलर शो रहने वाला नागिन, जो आज सबसे बड़ा शो है, जिसके पांच सीजन आ चुके हैं, वो नागिन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जी टीवी ने शुरू किया था। सीरियल नागिन वादों की अग्नि परीक्षा से नागिन की जहरीली कहानी सबसे पहले जी टीवी पर आई थी। इन भूत, डायन, चुड़ैल जैसी कई कहानियां के साथ जी टीवी ने सबसे पहले टीवी पर हॉरर शोज को दिखाया था। कई हॉरर शोज के साथ जैसे 1993 में आया जी हॉरर शो, 1998 में आया एक्स जोन और 2012 में आया फियर फाइल, डर की सच्ची तस्वीरें, जैसे कई हॉरर टीवी सीरियल को लोग खूब डरे भी हैं और एंटरटेन भी हुए हैं। सुपर हीरो और थ्रिलर टीवी सीरियल में भी जी टीवी पीछे नहीं है। महारक्षक आर्यन, महारक्षक देवी, जाबाद सिंधबाद, अलादीन, ब्रह्म राक्षस, श्री नागिन, हेवान जैसे कई सुपर हीरो थ्रिलर और फैंटेसी शोज दिए हैं। जी टीवी पर कई कॉमेडी टीवी सीरियल भी आए हैं, जैसे कि लोग उसे देखकर खूब हंसे भी हैं, जैसे 1995 में आया हम पांच, 1997 में आया घर जमाई, 2004 में आया करीना करीना, 2007 में आया चलती दा नाम गड्डी, 2013 में आया भसे भदे और 2014 में आया नीली छतरी वाले। इनके जैसे कई कॉमेडी टीवी सीरियल से दर्शक खूब हंसे हैं।
जी टीवी पर कई पॉपुलर रियलिटी शोज भी आए हैं, जिसे कई इंडियन टैलेंट को एक मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का। आइए देखें उन कुछ पॉपुलर रियलिटी शोज को। 2009 में आया शो डांस इंडिया डांस ने कई उभरते डांसिंग टैलेंट को एक मंच दिया, और जिससे कई सितारे उभर कर बाहर आए उस मंच से। डांस इंडिया डांस एक पॉपुलर डांस रियलिटी शो है जो जी टीवी पर आया था। आपको खाना खजाना तो याद ही होगा, ये शो जी टीवी पर 1993 से शुरू हुआ था। इस शो से घर घर में हर एपिसोड में खाने की एक नई रेसिपी मिली। इस शो को देखते ही मुंह में पानी आ जाता था। सारेगामापा जो जी टीवी पर 1995 में शुरू हुआ था, और इस शो की वजह से आज कई सिंगर अपना करियर बना चुके हैं जिनकी आवाज आज गूंज रही है। सारेगामापा जी टीवी पर 1995 से आज तक चल रहा है। शाबाश इंडिया, ये शो जी टीवी पर 2006 में आया था, जिसे शाबाश इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग अपरंपरागत प्रतिभा को दुनिया के सामने लाया। इनके जैसे कई रियलिटी शोज जी टीवी पर आए हैं और आते रहेंगे। जी टीवी आज 28 साल बाद भी टॉप 5 देखे जाने वाले टीवी चैनल की लिस्ट में रहता है, और आज भी वैसे ही कई पॉपुलर शोज दे रहा है। कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, तुझसे है राब्ता, कुर्बान हुआ जैसे पॉपुलर शोज भी जी टीवी पर आ रहे हैं। चलिए देखें इन 28 सालों में 1992 से अब तक जी टीवी ने कितनी बार अपनी पहचान बदली है और एक नए चेहरे के साथ दर्शकों को मनोरंजन दिया है। जी टीवी ने अब तक कई बार अपना लोगो और स्लोगन बदला है, आइए देखें। ये है जी टीवी का पहला लोगो जो 1992 से 2000 तक रहा था, तब ये है जी टीवी का स्लोगन हुआ करता था। फिर साल 2000 में जी टीवी ने अपना लोगो बदला और ये लोगो 2001 तक रहा था। फिर जी टीवी ने 2001 से 2002 में फिर लोगो चेंज किया, तब भी जी टीवी का स्लोगन ये है जी टीवी ही था। फिर 2002 से लेकर 2005 तक कुछ इस तरह का लोगो आया था, तब भी जी टीवी का स्लोगन ये है जी टीवी था। और फिर 2005 में लोगो चेंज किया, जहां जी टीवी को एक नए अंदाज में दर्शकों को सामने रखा, और 2005 में जी टीवी ने अपना स्लोगन बदला, हर पल बना एक नया रिश्ता। फिर 2011 में जी टीवी ने फिर एक नए रूप में सामने आया और उम्मीद से सजे जिंदगी स्लोगन के साथ जी टीवी आगे बढ़ा। फिर 2014 से लेकर 2017 तक लोगों इस तरह से बदला और एक नए सफर की शुरुआत की, और एक नए स्लोगन के साथ, हर लम्हा नई उम्मीद। फिर 2017 में पहली बार इस तरह का लोगो आया, जिसमें सिर्फ जेड नहीं था लोगो की डिजाइन में, इस लोगो में जी का पूरा मेंशन किया गया है। और आज लिखेंगे कल के नए स्लोगन से जी टीवी का ये लोगो अभी के समय में है। ये थे जी टीवी के अब तक के सफर के निशान, इन्हें देख लगता है कि जी टीवी कितना बदला है। ये था जी टीवी का सफर जो 28 सालों तक चला और आगे भी चलता रहेगा। आपको जी टीवी का कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो 2006 से 2015 का टाइम सबसे ज़्यादा पसंद आया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना।
और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।